समय आ गया है कि हमें अपनी पृथ्वी को इस रासायनिक विष से मुक्त करना ही होगा। क्या हमारे राजनेता ये करेंगे? हमारे राजनेताओं ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। प्रजातंत्र का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। इन राजनेताओं ने इसे गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी बाय द पार्टी फॉर द पार्टी कर दिया है। इन्होंने अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। यह दुष्ट अनपढ़ गवार दुष्चरित्र और अपराधियों को ही टिकट देते हैं। ऐसे लोग टिकट के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और चुनाव में पैसे बांटकर दारू बांटकर साड़ी बांटकर जीतते हैं। यह कृत्य भी अपने आप में आपराधिक कृत्य है। लिहाजा अपराधी आपराधिक कृत्य करते हुए जीतते हैं और आपके ऊपर थोप जाते हैं। यह लोग जिन्हें चपरासी की नौकरी नहीं मिलती है, यह आपके कानून के निर्माता और भाग्य निर्माता बन जाते हैं। पिछले 8 वर्षों में 3 PIL लगाई गई जिसका मजनून यही था कि जब चपराजी जैसे छोटी पोस्ट के लिए साक्षर और सचरित्र होना जरूरी है, फिर क्या कारण है कि हमारे राजनेता अनपढ़ गवार बाहुबली दुष्चरित्र और अपराधी हैं। यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तीनों PIL का संज्ञान लिया व सकारात्मक निर्णय भी दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि मैं PIL कर्ताओं से सहमत हूं, यह पार्लियामेंट का अधिकार क्षेत्र है, लिहाजा हम पार्लियामेंट से निवेदन करते हैं कि एक लाइन का संशोधन कि आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। दुर्भाग्य का लज्जा का विषय है कि हमारे राजनेताओं ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी और अपने आचरण में इसका उल्टा किया। आपकी जानकारी के लिए आज जो पार्लियामेंट गठित है, जो कि 19 से 24 तक के लिए है, इसके 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, जिसमें 29% जघन्य अपराधों के अपराधी हैं, जैसे हत्या, लूट, डकैती, रेप, किडनैपिंग, बलात्कार आदि। यह संख्या 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में बढ़कर 51% हो गई। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 205 अपराधियों को टिकट दिए गए और वो जीते हैं। यह संख्या 2023 में, जो 10 मई को कर्नाटका में चुनाव हुआ, यह संख्या बढ़कर 55% हो गई। इस बार जो 2024 में चुनाव होगा, यदि यही रवैया रहा तो हम 60% को क्रॉस कर जाएंगे। हमारे पास निदान क्या है? जब हमारे राजनेता हमारे संविधान का उल्लंघन करते हुए फंडामेंटल राइट और संविधान के दिशा निर्देश स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का खुल्लम खुल्ला डे वन से उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें लज्जा नहीं आ रही है। यदि मैं आप लोगों को क्राइम फ्री भारत का एक आसान उपाय बताएं, जिसमें ना तो आपको
कोई चक्का जाम करना होगा, ना कोई जुलूस निकालना होगा, ना कलेक्टर या एसपी को पिटीशन देना होगी, ना किसी का पुतला दहन करना होगा, ना ही दिल्ली जाना होगा, ना ही जंतर मंतर या रामलीला मैदान। हमें एक छोटे से उपाय के साथ हम माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत कर पाएंगे और उन्हें 303 की बजाय पूरी 543 सीट दिला पाएंगे। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को छोटा सा उपाय करना है, क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के जो मॉडल ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिसके लिए टेक्नोलॉजी काफी कुछ ऑलरेडी बनी हुई है, उसको जमीन में क्रियान्वित करने के लिए 21 टास्क फोर्स बनाना होंगी। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वह इस 21 टास्क फोर्स को बनाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ना तो मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, ना ही आपकी प्रार्थना को सुनेंगे।